अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखा करिएगा हमेशा। डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनीस, इन्हें आप लोग किस नाम से जानते हैं? द्वारकानाथ कोटनीस, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस। चीन ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई चीनी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनीस की एक कांस प्रतिमा का चीन में अनावरण करने का निर्णय लिया है। आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा कि हाल ही में देखा गया है कि किस देश ने, जो भारतीय चिकित्सक थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस, इनकी कांस प्रतिमा बनवाने का निर्णय लिया है अनावरण का। तो आप कह सकते हैं कि चीन, या फिर आपसे पूछ लेगा कि चीन ने हाल ही में किस व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण करने का निर्णय लिया है। तो आप कह सकते हैं डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ये डॉक्टर कौन थे। तो याद रखिए, इनका भारत भारतीय थे। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1910 को, कहाँ? महाराष्ट्र में। और इनकी डेथ हुई थी 9 दिसंबर 1942 को, कहाँ? चाइना में। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चाइना आखिर है कहाँ। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारा पड़ोसी देश है चाइना। देखिए, ये है चाइना, हमारी सीमा भी लगती है चाइना से, और इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी बीजिंग। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। यह प्रतिमा हेवेई प्रांत की राजधानी सिजिया जुआंग स्थित एक मेडिकल स्कूल के बाहर लगाई गई है। याद रखिए, इस तरह के क्या है कि चाइनीज नाम भी आपको बड़े ऊटपटांग देखने को मिलेंगे, तो इस प्रांत को भी आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, ये है इनकी पिक्चर्स, भारत सरकार, एक डाक टिकट जारी किया गया था। कौन थे आखिर डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस? महाराष्ट्र के कोंकण में जन्मे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस 1937 में रेड क्रॉस मिशन की टीम के सदस्य थे, और भारत से चीन गए डॉक्टरों के एक दल का नेतृत्व कर रहे थे। चीन पर जापान के हमले के समय चीन के तत्कालीन जनरल छूते के, अब देख रहे हैं किस तरह का नाम है, छूते के अनुरोध पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घायल सैनिकों के इलाज के लिए इंडियन मेडिकल मिशन टू चाइना के तहत डॉक्टर कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सकों का एक दल चीन भेजा था। आप समझ रहे हैं कि आज आप देख रहे हैं कि चीन हमारे यहाँ निर्यात कर रहा है कई तरह के, आपने देखा है कि मोबाइलों को ले लीजिए, या फिर कई तरह के हमारा व्यापार घाटा है चीन के साथ। कहने का मतलब व्यापार घाटा यह है कि हम लोग 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं चीन से, तो 10 रुपए का सामान चीन को बेच रहे हैं, यानी कहने का मतलब 90 रुपए घाटे में हम लोग चल रहे हैं। आपने सुना होगा, ये तो कई बार आप सुनते रहते हैं कि अगर आपके यहाँ 4 फोन बिकते हैं तो उसमें से 3 फोन आपके चाइनीज कंपनियों के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक समय हुआ करता था कि हमारे यहाँ से मदद के लिए चाइना जाया करते थे, आप समझ सकते हैं। तो उस समय का भारत आप सोचिए कितना पावरफुल था एक तरह से। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस ने द्वितीय विश्व युद्ध और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई चीनी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। चीनी क्रांति के दौरान कोटनीस के योगदान की माओ त्से तुंग ने भी प्रशंसा की थी। उनके इसी योगदान को देखते हुए चीन के कई शहरों में उनकी प्रतिमाएं और स्मारक बनाए गए हैं अभी भी। चीन में इन्हें के दिहुआ के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस को चीन में किस नाम से जानते हैं, के दी हुआ के नाम से जानते हो। इनका नाम सिजिया चुआंग जुआंग में 1992 में एक मेडिकल कॉलेज के दी हुआ मेडिकल साइंसेज सेकेंडरी स्पेशलाइट स्कूल की स्थापना हुई इनके नाम से। इसके अलावा सिजिया जुआंग और तान जियांग में उनके नाम पर कई प्रतिमाएं और स्मारक स्थापित किए गए हैं। और चीन में रहने के दौरान डॉक्टर कोटनिस ने इन दोनों शहरों में चिकित्सीय सहायता प्रदान की थी। तो इस नाम को याद रखना, बड़ा कठिन है थोड़ा चाइनीज में इनके नाम, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखिए।